ଭେଣ୍ଡିଛଳି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜିର ରେସିପି ହେଉଛି ରଜ ସ୍ପେଶିଆଲ, ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଥାଳିର ରେସିପି। ଆଉ କାହିଁକି ଯେ ରଜ ଆସିଲାଣି ଆଉ ହାଣ୍ଡିଶାଳର ଥାଳି କେମିତି ଅପଲୋଡ଼ ହେବନି, ତ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଆଜି ନେଇକି ଆସିଛି ରଜ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଥାଳି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇଜି କମ୍ବିନେସନର ସବୁ ରେସିପି ଯାକ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଏଇ ରଜ ଥାଳିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି। ତ ଆମେ ବନେଇବା ଫ୍ରୁଟ୍ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆମର हाफ लिटर क्षीर नहीं क्षीर हूँ फुल क्रीम वाला क्षीर आमर पकईदे इलायची गुंड आई नहीं कस्टर्ड पाउडर वेनिला फ्लेवर आई नहीं चीनी चीनी आप स्वाद अनुसार एड करूँ। तो बर्तमान आम कस्टर्ड पाउडर गोटे स्लरी बनईदे, तो से मुझे आम देखूँ कस्टर्ड पाउडर गोटे स्पून नी मैंने हाफ लिटर क्षीर से कस्टर्ड पाउडर दि स्पून आप। तो बर्तमान मुझे कस्टर्ड पाउडर स्लरी बनेबि, तो से जो स्पून रे मुझे दि स्पून आम कस्टर्ड पाउडर नहीं क्षीर मोर टे उषुम अच्छी उषुम क्षीर ही ये जो कस्टर्ड स्लरी बनवाई उषुम क्षीर ही यूज करेंगे है। तो आपणकर कस्टर्डटा लम्स फ्री करने प्रोसेसटा निहाती आवश्यक, देन ये प्रोसेसटा आप प्रथम कर दिंतु। तो ये बर्तमान आम स्लरीटा रेडी, एबे चलंतु आमर कस्टर्ड बनेबा स्टार्ट करिबा। एथरे आपण स्वाद अनुसार चीनी ऐड करंतु, बेसी ऐड करिवेनि काहेकि जे आपणकर फल रे भी टिके मीठा अंश थाय, तो सेतबे स्वाद अनुसार यूज करंतु। आउ टिके गुजराती गुंड भी पके देबा। तो बर्तमान ये क्षीर को आप टे फुटा छाड़ दिंतु। तो ये आम क्षीरटा देखु फुटवा स्टार्ट होगला, तो ये आम कस्टर्ड मिक्सरटा ये पकईद। तो यू किस समय फुटवाक छाड़ू जहाँफल आप कस्टर्ड मिक्सरटा गोटे थिक कंसिस्टेंसी को आसीज। आ कस्टर्ड मिक्सर को बेसी बहलिया करें कहीं थंडा भी बहलिया हो जस्ट आगे फुटबापर आप कस्टर्ड रेडी। तो बर्तमान आमर ये कस्टर्ड मिक्सर रेडीगला, आए देखो के मानते टिके बहलिया कनसीस्टेन्सी अच्छी, बेसी मु बहलिया करूनी ना केक केक लगे कारण ये थंडा हो गले परफेक्ट कनसीस्टेन्सी आसीज। तो ये आम कौन कर गैसटा को बंद करदे आईटा को कम्प्लीटली थंडा हाँ छाड़ा रूम टेम्परेचर रे थंडा करदे को केमती जानवे आपणकर कस्टर्ड मिक्सरटा रेडी है बोली। तो बर्तमान ये आम कस्टर्ड मिक्सर रेडी होगा, आउ बेस यहाँ को बहलिया करें कि बेस यहीटा को पाया करें कारण ये थंडा है भी आपणकर बहलिया होमती जानवे आपणकर कस्टर्ड मिक्सरटा रेडी है। तो ये आप देख पड़े पछपटे आमर जो लेयर लगे आंगूठे जब एमती करदे ये देखो व्वाटरी कनसीस्टेन्सी को आसुनी है मानने गोटे लाइन्स पलि जी व्वाटरी था ये बोही पड़ता है, तो ताने ये आप परफेक्ट कनसीस्टेन्सी अच्छी। तो यहीटा को बर्तमान आप गैस बंद करूँ, मु गैसटा बंद कली आईटा को बर्तमान आप रूम टेम्परेचर में थंडा हवाक छाड़ दिंतु। थंडा है नेक्स्ट प्रोसेसिंग को जीवा। तो ये आम कस्टर्ड मिक्सर रेडीगला कम्प्लीटली आम रूम टेम्परेचर में बर्तमान अच्छी। जेहेतु आम फ्रूट कस्टर्ड बनवा, तो से देखु मुझ आंब आईटी नहीं कौन कह अंगूर भी नहीं मुझे किसी एप्पल को काटिक नहीं आलमंड काजू को नहीं आम डालिंब मंजी आपण मनपसंद जहाँ भी फलमूल दरकार आप चाहिए ये एड करें। तो बर्तमान मुझे आम कस्टर्ड मिक्सरटा पकईद। तो ये मु आंब आउ अंगूर पकईदे, पण ये जो पानिया कंसिस्टेंसी देखुं ये ना फ्रिज रे रहला पर आहुरी बहलिया हो जीवो। तो ये पकईदे डालिंब मंजी आउ ये पड़ला आमरो
सेव तो फाइनली आम पड़ा टिके नट्स तो ये देखु आम फ्रूट कस्टर्ड बर्तमान आमर रेडी गला तो बर्तमान यटा को आम फ्रिज्रे रखिद गोटे 4-5 घंटा पर्यटन रखिद ये कस्टर्ड फ्रूट कस्टर्डटा बढ़िया सेट हो तो बर्तमान ये आम कस्टर्ड देखु बढ़िया से रेडी बेसी बहलिया है परफेक्ट कनसीस्टेन्सी अच्छी फ्रूट कस्टर्डटा एत बहलिया करती एम हालाका टी पतला करती जहाँफल खाया को बहुत बढ़िया लगे। तो आमर थाली फर्स्ट आइटम स्वीट आइटम मुझे प्रिपेयर करदेली कारण ये कस्टर्ड जो अच्छी फ्रूट कस्टर्डटा आप बनई फ्रिज्रे रखा पड़ो तो से मुझे आगुरी रेडी करके रखी एवं चलत आम कंटिन्यूस आम अलग जो राइस आइटम सब्जी आइटम प्रिपेयर करिया। तो आज आम बनवा सोया चंक पुलाव तो से देखो मुझे आम बासमती चावल को गोटे 30 मिनट्स बतुरे रखी तो मुझे बीन्स और गाजर नहीं चाहिए कौन सी वेजिटेबल यूज करेंगे आलू कैप्सिकम आपण चॉइस आमर कौन कहे ग्रीन मटर पियाज मुझे दुटा मीडियम साइज़ रे काटिक नहीं कंचा लंका नहीं अदा रसुण पेस्ट 2 स्पून नहीं आमर सोया चंक यू ऑलरेडी बॉईल कर दे बॉईल करके भला से पा चिपुड़ी रखी आठ आम कसूरी मेथी आठ नहीं टमाटो पेस्ट 2 स्पून तमें ये हूँ गोटे मीडियम साइज़ टमाटो मुझे पेस्ट नहीं रेसीपी ऑलरेडी हांडी शाला अपलोड अच्छी आपड़ चाहिए कटा टमाटर भी नहीं पारे आ गोटा मसलें मुझे तेजपत्र टी जीरा नहीं जावित्री नहीं खंडे डालचीनी नहीं 4-5टा लवंग गोटे स्टार फूल यह सब मुझे गोटा मसला नहीं घी भी आम यूज करवा। तो बर्तमान मुझे कड़े टी रिफाइंड तेल गरम कर तेल आमर टी गरम ही आसला बेलू से आम पकईदे आम जितक सब गोटा मसला था जीरा ताको सब पकई टिके जस्ट गोटे 10 सेकेंड भाजी सारापर मुझे पियाज कंचा लंका भी पकईदे पियाज कंचा लंका को आप बर्तमान बढ़िया से भाजी दिंतु जमीक पियाज कंचा लंकार मानने गोटे बढ़िया से भाजी हो पियाज गोटे टी लाइट ब्राउन कलर भी देखा सेमती आप भाजी दिंतु तो पियाज भाजी बेलू मुझे जस्ट टे स्प्रिंग अनियन भी पकईदे स्प्रिंग अनियन पकईवा हूँ ऑप्शनल सी भी पियाज भाया बासना हुए बोले मुझे स्प्रिंग अनियन पकईदेली आउर बर्तमान कसूरी मेथी भी पकईदे कसूरी मेथीटा पकड़े कसूरी मेथी भी गोटे बढ़िया फ्लेवर आसव तेल में कसूरी मेथी भल भाव भाजी गले आपण को ये पीतालिया लगे ना तो बर्तमान एवं आम देखु पियाज कसूरी मेथी ये सब भल भाव भाजी आसला मुझे एवं पकईदे आम अदा रसुण पेस्ट अदा रसुण पेस्ट को आम टे भल भाव भाजवा जमीक तार कंचा स्मेलटा पलब तो ये जो आम अदा रसुण भल भाव भाजी तार कंचा स्मेलटा पलब एवं आम ये पकईदे आम जो काटिक रखी बीन्स आउ गाजर ताकु बर्तमान पकईकी आम अदा रसुण सहित मसला सहित भल भाव भाजवा गोटे जिनस ध्यान रखु मुझे आम टमाटर पेस्ट यूज करोटा कि अलरेडी रोसे तो से जदि आपर टमाटर ऐड करियार अच्छे देन अदा रसुण भाजी सारापर टमाटर ऐड कर करदे जेहेतु मोर टमाटर पेस्ट अच्छी से ऑलरेडी रेडी अच्छी देन मुझे पर भाजला ये मुझे टमाटर पेस्ट पकेबी तो ये जिनसा आप ध्यान रखी एवं तो देखिले मुझे बीन्स गाजर आम सोया चंक सब पकईकी बर्तमान आम मसला सहित 2-4 मिनट भाजीदेवि जमीती आम जो आम पर कंचा स्मेल पलब सोया चंकर कंचा स्मेल पलब गोटे अदा रसुण बहुत भल फ्लेवर आसो पर अनुजाई लुण पकईदे जहाँफल कौन कह पर शीघ्र कुखे जाए गोटे अलणिया लगभन आ लुण टी निहाती आप एड करके आपणकर पनीपरिया बढ़िया से मिक्स करदे तो ये बर्तमान आमर ना पर सोया चंक बहुत भल भाव भाजी गला बेसी यू पोड़ पोड़ कर किसी भाजवार नहीं हालाका ये भाजदे आम पर बढ़िया से रेडी जेहेतु पलो हूँ बेसी ओवर कुक करेन आउे पा दे कि फुटा हे ना से भी आम पर सीझीज एवं आम ए पकईदे कौन कहे टमाटर पेस्ट आहेतु ऑलरेडी कुक है तो बेसी समय लगे टमाटो पेस्ट को आम बढ़िया से आम पर सहित मिक्स करदे
तो एबे मु एथरे टिके पकाई दउछि पल्लव मसला आ ओइ पल्लव मसला रे जीरा गुंडा धनिया गुंडा सब गुंडा मसला अछि सेत पे मु आउ किछि मसला गुंडा ऐड करनी जदि आपन गरम मसला रे जीरा धनिया गुंडा नाही देन टिके टिके गुंडा मसला ऐड कर देबे आउ टिके पानी भी दैछि आउ याकु वर्तमान भल लाबरे मु एठी परिवा सहित मिक्स कर दउछि कारण परिवा रे गुटे बहुत बढ़िया गरम मसला रो फ्लेवर आसीबो। तो एबे तो आमे सब किछि पनीपरिया रे ऐड कर देले एबे मु लास्ट गोटे परिया पकेबी जोटा होची ग्रीन मटर आउ कहीं किछि ग्रीन मटर फ्रोजन पीस बोली मु ताकु लास्ट रे पकोचे जदि कंचा मटर था देन आगुरु पकेई थांती। तो एबे आमे परिया सहित सब मटर को बढ़िया से मिक्स करके गैस रे फ्लेम को लो करके कवर करके 10 मिनट कुक करूँ आ 10 मिनट पर जितरक आप लीड ओपन करेंगे आई देखिए आमर बीन्स गाजर आउ कौन कहे जो सोया चंग मटर सब बढ़िया से आमर कसी हो जाए आउ मसलार सब कंचा स्मेल भी पड़े। तो बर्तमान पलोपे आमर जो मसला मिक्सरटा परिवा दिया मसला मिक्सर एबे रेडी होगला। एबे आम कौन करवा ए पानी दबा पानी हूँ आम जी चाउल नहीं तार दी गुणा आपण दे दिंतु एथेर पानी। तो बर्तमान पानी दे सारापर एबे टिके स्वाद अनुजाई लुण दे दिंतु आउ एहाको भल भाबरे गोळे दिंतु। एबे आम कौन करवा एटाको किछि समय फुटिबाकु छाड़िबा जेमती कि टिके पानीटा फुटी आसला परे आम एथेर पकाई देबा कौन कहले आमर चाउल चाउल तो पकाई दिलु आउ एटाको बर्तमान गोळे दिंतु। एबे आपण गैस रो फ्लेम को मीडियम करके कवर कर दिंतु आकु गोटे 10-15 मिनिट पर्यंत कुक करंतु मझे मझे टिके गोळे दउथिबे लीड ओपन करके आ 15 मिनिट पर जतक मु एठी लीड ओपन करछी आ एठी आपण देखंतु वेजिटेबल पुलावटा हमर कोन कहले बहुत माने बढ़िया से पूरा माने पानी एब्जॉर्ब कर दीची लंबा लंबा चावल हो जाए बट हल्कर गोलैबे कहीं एथेर टिके पानी अंश अच्छे। एबे आम कौन करवा एथेर टिके दे देबा घी कारण घी पलो फलो रे बहुत बढ़िया लगे टिके घी देकी आगो कवर करके लो फ्लेम रे गोटे 5 मिनिट पर्यंत आपण कुक करंतु 5 मिनट पर आपण गैस बंद करदे आउ लीड ओपन करके एटाको बिल्कुल भी खेलवा दरकार नहीं गोटे 15-20 मिनिट सेटा आपण दूर रखि दिंतु जितक आप सर्व करार थी से ही समय सर्व करेंगे इमिडियेट खाइबे कारण टिके सेट हो 15 मिनट आपन को छाड़िया पड़ो 15 मिनट पर जितक आपण को मैंने लीड ओपन करेंगे ये आम परफेक्ट सोया चंग वेजिटेबल पुलाव रेडी। तो आज आम बनवा पोटल आलु रसा तो से देखु ये मुझे आमर गोटे हाफ के जी पोटल नहीं पोटल को एमती काटिदे आपड़ चाहिए गोटा पोटल भी यूज करें बट आप पोटल रसार एमती पोटल आमर कटा हो यूज हुए आ पोटल रसार टे आलु भी पड़ो तो से आलु को एमती मुझ बड़ बड़ काटिक नहीं तो ये दुटा मीडियम सैज्र पिज को फाइनली चट करके नहीं आमर टमाटो पेस्ट आईटा मुझे अलरेडी तरकारी बनईकी रखी आर रेसीपी देखा चाहूँ जी तले मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे दीजिए चेक कर निंतु ना उपर थी आई बटन में आज देखिले टमाटो पेस्टर रेसीपी आप जापर आप चाहिए जदि पेस्ट आपखे ना दे आप नर्माल टमाटर काटिकी दुटा यूज दि स्पून अदा रसुण पेस्ट नहीं गोटा मसलें मुझे गोटे तेजपत्र छोट डालचीनी दुटा गुजराती 4टा खंडे लवंग नहीं गोटा मसला। तो ये मो गुंड मसलार गोटे पेस्ट बनईदेवि तो से देखूँ मुझे आम धनिया गुंड नहीं धनिया गुंड निहाती ने कहीं आम बढ़िया फ्लेवर दिए आम पोटल तरकारी तापर ये मुझे गरम मसला गुंड नेली आठ मुझे गोटे स्पून आम चिकेन मसला गुंड नहीं गोटे स्पून हल्दी गुंड लंका गुंड 2 स्पून नौ तो ये आप पकई दिंतु पानी आ मसला पेस्ट को आपड़ भल भाव मिक्स कर दिंतु बतुरी रखी दे आप मसला पेस्टा बढ़िया से फुली जीवो आ गए थिक् पेस्ट बनी आपणकर बढ़िया बास्ना भी आसो से मसला को ना जितक भी बेस गोटे गुंड मसला पकेबार थी देन आप करूँ एमती गोटे गिना तटिया आपटा को बतुरी रखि दिंतु। तो बर्तमान चलत आम कुकिंग स्टार्ट करवा तो एबे आम कड़े में पकईदेबा तेल रिफाइंड तेल मुझे ऐड कर पोटल को टिके छाणियापी सोरस तेल रे पोटल छाणिले भल बट तेलटा नष्ट हो जाए मुझे रिफाइंड तेलटा यूज करे तेल भलसे गरम होगापर एमें पकईदे पोटल
ମାନେ ଛାଣିକି ପୋଟଳ ତରକାରୀ ବନେଇଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋଟଳ ତରକାରୀଟା ମାନେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ବନେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ଯେବେ ବନେଇବେ ପୋଟଳଟାକୁ ଭଲସେ ଛାଣିଦେବେ ଆଉ କଞ୍ଚାଳିଆ ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଟଳ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ନା ଯେତେକୁ ପୋଟଳ ଆପଣ ଛାଣିବେ ସେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ପୋଟଳ ନହେଲେ ଅଲଣିଆ ଲାଗିବ। ତ ଲୁଣ ପକାଇକି ଆପଣ ପୋଟଳକୁ ଭାଜନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକା ତେଲ ପକାଇନି ଛାଣିଲା ଭଳିଆ, ମାନେ ନର୍ମାଲ ତେଲ ପକାଇଛି ଯେମିତିକି ସେଥିରେ ତରକାରୀ ବି ବନିଯିବ। ତ ମୁଁ ନା ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ ଏଇଟାକୁ ଭାଜିଛି। ଭାଜିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳଟା ଆମର ଟିକିଏ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଦେଖାଗଲାଣି ଆଉ ଟିକିଏ ନରମ ବି ହେଇଆସିଲାଣି। ତ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଏଥିରେ ନା ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ କଲା ଆଉ ପୋଟଳ ଆଉ ଟିକିଏ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବ, ତା ସହିତ ଆମର ଆଳୁ ବି ଭାଜି ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୋଟଳକୁ ଅଲଗା ଭାଜିକି ବାହାର କରିପାରିବେ, ତାପରେ ଆଳୁ ଭାଜିବେ, ସେମିତି ବି କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଆଉ କୁକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ପୋଟଳ ଆଳୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲେ। ତ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେଉଛି। ଏବେ ବଳକା ଥିବା ତେଲରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ଆମର ଗୋଟା ମସଲା। ଆଉ ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ 10-20 ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣ ଟିକିଏ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ଆସିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା ପିଆଜ। ପିଆଜକୁ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ପିଆଜ ଟିକିଏ ନରମ ହୋଇଆସିବ, ତା'ର ଯେଉଁ ମାନେ ଟିକିଏ ମଉଳି ଯିବ, କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ଟା ପଳେଇବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜଟା ଆମର ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଦେଖାଗଲାଣି। ଆଉ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଆଜକୁ ଭାଜିବେ, ବେଶୀ ପୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଭାଜିବେନି। ପିଆଜ ଆମର ଟିକିଏ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା ଆମର ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ। ଆଉ ଏହି ଅଦା ରସୁଣକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ପଳେଇବ ଆଉ ଟିକିଏ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯିବ। ତ ଆପଣ ଯେତେକୁ ଅଦା ରସୁଣ ଭାଜି ହେଇଯିବେ ନା, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିଦେବେ କି ହଁ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ଆଉ କିଛି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଏ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟରେ ସବୁ କିଛି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଖାଲି ଏଇଟାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ସହିତ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମସଲାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ମସଲାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ଟା ପଳେଇବ। ତ ଏବେ ମସଲା ଆମର ଟିକିଏ କଷି ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପକାଇଦେବା କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟଟା କୁକ୍ଡ ନୁହଁ, ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଯେତେକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଦା ରସୁଣ ଭାଜିଲେ ନା, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଟମାଟୋ ପକାଇକି ବି ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବେ। ଯେହେତୁ ମୋର ଟମାଟୋଟା ଅଲରେଡ଼ି ପୁରା କୁକ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମସଲାଟା ବଢ଼ିଆ ସେ କୁକ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇକି ଏଇଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ମୁଁ ଏଇଠି କଷିଦେବି। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଯଦି ମଝି ମଝିରେ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେବେ, ନହେଲେ ମସଲା ଆପଣଙ୍କର ତଳୁ ବି ଲାଗିଯାଇପାରେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଆମର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ। ମସଲା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, କାରଣ ପୋଟଳ ଭାଜିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମସଲାରେ ଦେଖିକି ଆପଣ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ମସଲାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମର ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇସାରିଲାଣି। ପୋଟଳ ତରକାରୀରେ ସବୁବେଳେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ହେଲା, ଯେମିତି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ମସଲା କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଳୁ ଆଉ ପୋଟଳ ଦୁଇଟା ପକାଇକି ଆମର ମସଲା ସହିତ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବି। ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିକି ଏଇ ପୋଟଳକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ କଭର୍ କରିକି କୁକ୍ କରନ୍ତୁ। 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ଲିଡ୍ ଓପେନ୍ କଲାବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଆମର ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ରୁଟି ପରଠା ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି କଷାରୁ ଆପଣ କାଢ଼ିଦେବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି, ଦରକାର ଗ୍ରେଭି ଅନୁଯାୟୀ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି, କାରଣ ଆମେ ପୋଟଳ ରସା କରୁଛେ, ଟିକିଏ ପାଣି ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ କ୍ରିମ୍ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ବଟ୍ କ୍ଲିପ୍ସଟା ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ସେଇଟା ମୋର ପ୍ଲାନ୍ରେ ନଥିଲା, ପଛରେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା, ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଡ଼୍ କଲି। ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ଟିକିଏ ଆମର 1-2 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଏବେ ଫୁଟାଇ ଦେଇଛି।
तो एबे आपण गैस रे फ्लेम को लो करके कवर करके गोटे 10-15 मिनट कुक करूँ। 10 मिनट पर आपण ये लिड को ओपन करेंगे आउ देखिए आपणकर पोटल आलू रसा कम्प्लीटली रेडी। तो गैस रे फ्लेम को बंद कर दिंतु आउ एहा को 10-15 मिनट छाड़ दिंतु। 10-15 मिनट पर आपण तो सर्व करेंगे। आपण देखिए आपणकर ये पोटल आलू रसा कम्प्लीटली रेडी। तो एबे मु बनेबी आमर हनी चिली पटाटो बेबी पटाटो से मु नहीं छोट साइज रे एका साइज रे टिके ट्राई करछि नबा पे एहा को अपन जेमिति अपन आलू सिजान देना सेमिति कम करंतु एते दे दियंतु टिके पानी कवर करके एहा को मीडियम फ्लेम रे दीटा हुइसला असला पजंत कुक करिवे। हुइसला असला पर गैस को पूरा कंप्लीटली बंद करके आको ठंडा हबा को छाड़ देबे। थंडा हेला पर जो आपने लीड ओपन करेंगे ये देखते आम आलू बढ़िया से सीझी जाइए। आलूर चोपा को बर्तमान आप भल भाव पिल कर दिंतु। तो आलू तो आम भल भाव सीझीगला तो मुझे ये ना आम फोक साइटा को जस्ट पिक करदेवी टिके टिके कणा कणा करदे आम जो यू तेल में छाणवा जो हनी चिली पटाटो बनवा तो सीधे मसला गुंड जाक जाफल आपन को आलूर बैट नेला बेलू आपको बहुत भल फ्लेवर आस। तो मु सब आलू को एमती पिक कर देली। तो एबे आम एथरे पके देबा आमर गोलमरीच गुंड आ सेथरे पके देबा गोटे स्पून मैदा आ गोटे स्पून आमर कॉर्नफ्लोर। गोटे स्पून मैदा रे गोटे स्पून कॉर्नफ्लोर पकेले आमर आलू छणाटा बढ़िया क्रिस्पी होबो। सेथरे स्वाद अनुसार लुण ऐड कर देबे आ टिके आपण पानी स्प्रिंकल करिकि एहाकु आपण हल्का रे गोळे दियंतु जेमति कि आपणकर आलू बढ़िया से आपणकर माने कोट हे जीवो बेसी पानी देबे नी हल्का पानी देबे। तो ये देखो तो बर्तमान आमर आलू गोल माने गोलमरीच आ जो आम मैदा और कॉर्नफ्लोर बहुत बढ़िया से कोठी जाए आपन कौन करूँ गोटे मीडियम फ्लेम रे नहीं कि यह छाणी दिंतु जमती कि आपण आलूटा पूरा गोल्डन कलर लाइट ब्राउन कलर देखा जीवो। तो ये आम देखु आलू केते सुंदर से छाणी है आउ आलू को एमती गोटा किया खाया को भी बहुत भल लगे। तो आलू वर्तमान रेडी पटाटो। तो हनी चिली पटाटो बनाया पे देखंतु मुझे तो आम आलू को छाणी देकी रखी है सहित मुझे नहीं स्प्रिंग अनियन आठ मुझे कैप्सिकम आप चाहिए कैप्सिकम को स्किप भी करें आठ मुझे राशि नेली गोलमरीच गुंड रसुण आउ आम नेली कंचा लंका आउ ये गोटे पियाज को मुझे स्लाइस करके नहीं आमर कौन कहले कॉर्नफ्लोर मिक्सरटा गोटे स्लरी कॉर्नफ्लोर स्लरीटा मुझे बनई रखी सस् भितर आम सोया सस् नवा आठ नवा सेजवान चटनी आठ मुझे आम टमाटो सस् आठ आम हनी चिली बना हो तो से मुझे आम महू नहीं तो मो सस् मिक्सरटा बनईदेवी तो से मुझे आम दि स्पून नहीं कौन कहे टमाटो सस् आउ ए गोटे स्पून आम नवा आमर सोया सस् गोटे स्पून आम पकेबा कश्मीरी चिली पाउडर आठ मुझे आम टे सेजवान सस् नौ एटा जेहेतु राग थाए आप स्वाद अनुसार ने तो ये आप मिक्स कर दिंतु। तापर ये मुझे आम टे विनेगर पकईदे टिके तो ये आम सॉस पेस्ट रेडी ही गला एबे चलन तो आम कुकिंग स्टार्ट करिया। तो एबे आम कड़ाई में पकईदे तेल तेल गरम है पकईदे आम कंचा लंका और रसुण आपन गोटे 30 सेकेंड पर्यटन भाजी दिंतु जमती कि आप रसुण कंचा स्मेलटा पलेब रसुण आम टे भाजी आसला आम ए पकईदे आम पियाज। तो एबे आम पियाज रसुण को जस्ट गोटे 2 मिनट पर्यटन भाजीदे जमीक पियाजटा टिके नरम हो टे कतार कंचा स्मेलटा पलेब पियाज टिके भाजी आसला आम पकईदे आम कौन कहे कैप्सिकम। तो गैस फ्लेम को मीडियम करके यू आज भाजबे यू पूरा नरम नरम करें कि पूरा लो फ्लेम भाजबे नहीं जहाँफल आप कैप्सिकम पूरा झाँली जीव पूरा नरम होमती करें मीडियम फ्लेम यू आप भाजी दिंतु जमीक तार टे रेलटा टे पलेब आठ आम जो कैप्सिकम भाजी जीव से आम पकईदे आम जो सस् मानक जो पेस्टा बनई रखी थे एड करके आपड़ भल भाव गोल दिंतु। गोलमरीच गुंड बर्तन मुझे टिके ऐड कली
आउ एथिरे मु आमर जो कॉर्नफ्लोर स्लरी थिला से स्लरी को वर्तमान दे दोछि आउ एहाको आपण टिके गोळेइ दियंतु दी मिनट एटा को जस्ट टिके कुक कर दियंतु दी मिनट पर कुक कला पर आपण देख पाथिबे केते सुंदर कलर चेंज हो गला आउ टिके जो मॉइश्चर अंशटा थिला से स्लरी रो से पानी अंशटा भी पूरा ड्राई हो कि पूरा थिक पेस्ट बनी आसलानी एबे होची राइट टाइम एथे टिके लुणा पके देबे स्वाद अनुसार लुणा ऐड करिवे आ तापरे हमर एथे पड़तो जो आलू छाणी के रखितले ताको पके देबा आ एहाको आपण भल्लो भाबरे आपणकर मसला पेस्ट तो गोळे दियंतु बिल्कुल वाटरी नाही वाटरी थिले आपणकर झोळो भळे लागिथाना सेते पे आपणकर पेस्ट पूरा थिक अछि आ थिक पेस्ट आपण आलू सते भल्लो भाबरे कोट कर देले एबे हम कोन करबा एथे ना टिके महू पकईदा जेहेतु आम हनी चिली पटाटो बनवा तो से टिके आपण गोटे रु दी स्पून आप स्वाद अनुजाई महूटा टिके ऐड कर दिंतु आमे टिके राशि पकईदेव आशि पकवा द्वारा आमर जो हनी चिली पटाटो टी बहुत आट्राक्टिव आई कैचिंग लगे तो एबे ना यह भल भाव गोल दिंतु आठ आमर गोटे टेस्टी यमी स्टार्टर से आमर हनी चिली बेबी पटाटोस रेडी हो गला। तो पनीर तवा फ्राई बनवा तो से देखु पनीर को मुझे क्यूब करके काटिकी नहीं पनीर एक्चुअली बहुत सॉफ्ट बहुत ही सॉफ्ट मिल्की मिस्ट पनीर बहुत सॉफ्ट अच्छे तो मुझे पनीर नहीं क्यूब करके तो बर्तमान आम बनवा गोटे मसला मिक्सचर लंका गुंड गोटे स्पून टिके हल्दी गुंड आए मु कसूरी मेथी गुंड पकाउछे तापर ये मुझे होम मेड गरम मसला गुंड नहीं मोर धनिया गुंड जीरा गुंड सब अच्छे जदि आप गरम मसलार धनिया गुंड जीरा गुंड ना देन एडिशनल ऐड करदे टिके टिके तो मुझे नौचे कॉर्नफ्लोर गोटे स्पून नौचे अदा रसुण पेस्ट दही मुझे नी दी स्पून दही नौ तापर ये पकेबा टिके टमाटो केचप टिके चटपटा लगे बढ़िया लगे ये जो पनीर तवा फ्राई बने टमाटो केचप पकेले आउ पकेबा आमर टिके एथरे सरसों तेल पकेबा आपण चाहिले रिफाइंड तेल भी यूज करि परिबे आउ एथरे मु पकाउछि स्वाद अनुसार लुणो तो एतिकी होछि आमर मेन इंग्रेडिएंट ते मसला पेस्ट को मु बढ़िया से मिक्स करछि तो एथि आमर मसला पेस्ट देखु रेडी एमती थिक पेस्ट रहा दरकार तो बर्तमान आप कौन करूँ आपणकर पनीर को मसला भितर पूरा भलसे कोट कर दिंतु मोर एक्चुअली पनीर ना बहुत सॉफ्ट थाए तो यहाँ को केयरफुली आप मसला सहित भल भाव कोट कर दिंतु कोट करके मुझे गोटे प्लेट्रे रखिदे ये जी पानिया करदे देन आपणकर ना कौन कहले पनीर रे मसलाटा भलसे कोट होकर रही तो एमती आप पनीर को बढ़िया से कोट कर दिंतु आई आप गोटे 10-15 मिनिट छाड़ दिंतु जहाँफल ये बढ़िया से मेरीनेट हो तो ये बर्तमान आम पनीर बढ़िया से मेरीनेट हो चलत आम तावा फ्राए करद तो ये आम तावाटा गरम हो आसला तो एक्चुअली मोर क्लिप्स टिके मिस हो गला पनीर को देखु मुझे हल्का लो मीडियम फ्लेम रे कुक करी टिके जितना पनीर भाजी ही आसला मुझे ओल्टे दूसरी ओल्टेला देखो आम जो हिसाब से मसला कोट होना पनीर भी आम बढ़िया से मसलार फ्राए हो आप देखिए जापारे तो एमती आप पनीर तवा फ्राए कर दिंतु आपको स्टार्टर भाया यूज कले बहुत बढ़िया लगे आउ कहीं कहले ये जो चटपटा लगे टमाटो सस् पड़ी से बहुत भल लगे तो निश्चित रेसीपीटा थे ट्राए करूँ तो पणस चिप्स बनवा टी चिप्स आइटम था न रही भल लगे तो से मुझे ना आम पणस को हाफ कुक कर देती टी सीझेक नहीं सीझेक आपले ही पणस चिप्सटा आपको भल लगे मुझे आम ए पकईदे लंका गुंड आप चाहिए फुड कलर भी यूज करें हल्दी गुंड गोटे स्पून अदा रसुण पेस्ट आठ मुझे पकईदे आम टे गरम मसला गुंड स्वाद अनुजाई लुण पकईदे दि स्पून नवा आम कॉर्नफ्लोर गुंड कॉर्नफ्लोरटा आमर बाइंडिंग करने को हेल्प कर
2 स्पून पकेबा हमर चावल गुंड चावल गुंड हमर चिप्स को टिके क्रिस्पी करिवो तो वर्तमान एटा को हमें हाथ रे गोले देबा मु एठी मात्र 250 ग्राम हमर नेछि पणस आपण को रिक्वायरमेंट हिसाब रे आपण पणस ऐड करिवे आगे एटा को आपण हाथ रे मिक्स कर दियंतु जदी आपण को लागुची सुखिला अछि पानी टिके ऐड करिवे जदि आपणकर पणसर जो मॉइश्चर जी आप कोट कर देन पानी ऐड करिया दरकार नहीं तो ये मोर टिके पानी ऐड मु करी जस्ट टिके पानी स्प्रिंकल करिवे तो ये देखो आमर पणसटा भलसे कोट हो गला आपण पणस को ना टिके छोट छोट काटिक ने बेस बड़ बड़ पणस ने तो गैस रे फ्लेम को आप मीडियम करके को छाणी दिंतु आपण देखिए आपण पणस जीत सीझी बहुत शीघ्र क्रिस्पी पणस पूरा मानने चिप्स होकर बाहर तो मझे मझे उल्टे पुल्टे दौथे जपर्यंत आपंकर जो चिप्स कलर आसे ना पूरा मानने रेडिश कलर आसपर्यंत आपटा को छाणी देवे आ पोड़ा भाया करें टी पोड़ा भाया कले टण टणा लगे से बेसी पोड़ा भाया करें तो हालाका आपणकर मानने डार्क ब्राउन कलर है पर्यटन ये आप छाण दिंतु तो ये देखो बर्तमान आम पणस चिप्स रेडी ये हूँ आम सोयाचंक पुलाव जेहेतु पलाव बनई तो से डाली फाली कि बनईनि तो कम्बिनेसन रखी पोटल आलु रसा कारण पोटल सीजन चलती तो मुझे आम रखिली पोटल आलु रसा आउ एठी मुने इची हमारे बेबी पटाटो हनी चिल आउ एठी मुने इची रायता माने सिंपल प्लेन कर्ड रायता मुने इची तापर एठा होची हमारे पनीर तवा फ्राई मुने इची आउ एठी मुटी के नहीं होची हमारे आंबो स्लाइस जेही तो खरा दिन आंबो टिके न रखिले थालटा कम्प्लीट होनी खरा दिन आपण थाली रखत बहुत सारा काकुड़ी काकुड़ी रे बहुत आमर वाटर कंटेंट थाए तो आप काकुड़ी टिके आपण थाली सब बेले सर्व करतु तापर ये हूँ आम पणस चिप्स ये हूँ आमर फ्रूट कस्टर्ड आउ टिके पेड़ा रखी दूची प्लेट रे तो ये हूँ आमर कंप्लीट रज स्पेशल आमर वेज थाली केमती लगे रेसीपी निश्चित कमेंट करेंगे जब भल लगे प्लीज ट्राए करते फ्रेंड्स फ्रेंड्स सहित सेयार करते मो चैनल हनी शाम सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल भूलें पाखे छोटे बेल आइकन अच्छी ना तो हिट करते जहाँ फल हनी शाम सब लेटेस्ट अपडेट पापर थैंक यू।